दुनिया काफी तेजी से डेवलप हो रही है और इसका सारा क्रेडिट हमारे महान वैज्ञानिकों को यानी कि साइंटिस्ट को जाता है। और अगर वैज्ञानिक मेहनत न करें तो शायद आजकल के मॉडर्न जमाने की कल्पना करना भी काफी मुश्किल है। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगी जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतिहास की एक वैज्ञानिक ऐसी थी जो इंसानों की जान लेने के लिए जानी जाती थी और जिसका नाम था लॉकस्टा। लॉकस्टा रोम की एक काफी खूबसूरत और जानी मानी वैज्ञानिक थी जिसे जनरली लोग मेडिवल टाइम की पहली साइंटिस्ट के तौर पे जानते हैं, यानी कि मध्यकाल की पहली साइंटिस्ट। और यही नहीं, उसको इतिहास की पहली सीरियल किलर भी कहा जाता है। इस हसीन साइंटिस्ट को साइंस यानी कि विज्ञान में काफी दिलचस्पी थी और ये टाइम टाइम पर काफी एक्सपेरिमेंट्स करती रहती थी। उसने पेड़ों के गुणों और अवगुणों पर भी काफी रिसर्च किया था। वो चेहरे से जितनी ही सुंदर थी, दिल से उतनी ही जहरीली। और वो ये समझ चुकी थी कि लोग अपनी ख्वाहिशों के लिए दुश्मनों को मरवाने से नहीं चूकते हैं। हालांकि दुश्मनों की मौत नेचुरल दिखनी चाहिए, यानी कि प्राकृतिक दिखनी चाहिए। इंसान की इन्हीं इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए लॉकस्टा ने जहर पे यानी कि पॉइजन पे एक्सपेरिमेंट शुरू किया। और इस प्रयोग में उसने इतने जहरीले जहर की खोज कर डाली जिसे खाने के बाद इंसान के बचने की कोई उम्मीद ही नहीं होती थी। ऐसा कहा जाता है कि लॉकस्टा ने महारानी एग्रिपिना के साथ मिलकर रोम के शासक क्लॉडियस को पॉइजन देकर मार दिया था। महारानी को लगता था कि उनके पति क्लॉडियस एक अच्छे शासक नहीं है, इसीलिए उन्होंने राजा को मरवाने के लिए लॉकस्टा को बुलाया। लॉकस्टा ने राजा के खाने में उसका बनाया जहर मिला दिया था जिसे खाने के बाद उसकी मौत हो गई थी। और इसी तरीके से लॉकस्टा ने कई लोगों की जानें ली थी। और कहा जाता है कि लॉकस्टा को उसकी सजा के तौर पे एक जिराफ से बलात्कार करवाया गया और जिराफ के रेप के बाद मृत लॉकस्टा को जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया गया। साल 1908 में एक फिल्म बनी थी ह्यूमैनिटी थ्रू द एजेस, इसमें इस औरत का जिक्र भी है कि कैसे हजारों हत्याओं के बाद इसकी हत्या की गई। और जहर देने वाली इस मध्ययुगीन महिला यानी कि मेडिवल पीरियड की जो महिला है, इसके चरित्र पर कई और मूवीज और टीवी शोज बने हुए हैं जिसमें पुराने युग की क्रूरता को खुलकर दिखाया गया है। हालांकि लॉकस्टा की जो ये सजा थी उसके बारे में कोई पुख्ता एविडेंस नहीं मिले हैं, यानी कि प्रमाण नहीं मिले हैं। केवल माइकल न्यूटन की बुक है एक, द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सीरियल किलर्स, में इस चरित्र को उसे मिली जघन्य सजा का जिक्र है। वहीं एक ग्रीक हिस्टोरियन कैसियस डियो ने लिखा था कि लॉकस्टा को वस्त्रहीन करके पूरे शहर में घुमाया गया और फिर मार दिया गया था। तो ये थी इस साइंटिस्ट लॉकस्टा की कहानी। इसी तरीके से हर एक साइंटिस्ट, हर एक वैज्ञानिक के एक्सपेरिमेंट के पीछे, उसके प्रयोग के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है, लेकिन लॉकस्टा की कहानी तो काफी क्रूर और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों तक भी। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। और आपकी क्या राय है, आपको कैसा लगा लॉकस्टा की कहानी सुनकर के, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।